नमस्कार दोस्तों, आज हम फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होता है उससे रिलेटेड थोड़ी डिस्कशन वगैरह करेंगे कि किस तरह से फार्मासिस्ट का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन की जाती है। हमारा ये कोर्स है फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन का जो हम शुरू कर रहे हैं। बेसिकली लोग क्या करते हैं, फार्मेसी करने के बाद प्रेफर नहीं करते कि सोचते हैं कि गवर्नमेंट में क्यों जाना है, उससे अच्छा कोई मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, कोई इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं। बट आपको पता ही है आजकल के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की क्या वैल्यू है। कोविड के टाइम पे हमने ये चीज़ देखी ही है। तो जो आपके फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है वो देखा जाए तो उसकी प्रिपरेशन बहुत आराम से की जा सकती है अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो देखें, और जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम स्किप कर देते हैं उनके ऊपर थोड़ा गौर करें। कि जैसे आपकी कुछ जो आज बेसिकली हम टॉपिक करेंगे इनहेलेंट्स, तो लोग उस छोटे से टॉपिक को इनहेलेंट्स जो जिसके अंदर आपकी गैसेस आ जाती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब को बहुत जो है स्किप कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बट ये ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस जो हैं आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो टॉपिक्स को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अपने पूरे कोर्स के अंदर। तो अगर आपको जो है आज का डेमो लेक्चर पसंद आता है और आप और कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, और इम्पोर्टेंट छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस जो आप स्किप कर जाते हैं और जो एग्जाम्स में आ जाते हैं उनकी बात करना चाहते हैं, तो आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपका फार्मासिस्ट एग्जाम का पेड कोर्स है इसकी पूरी जो डिटेल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, फी स्ट्रक्चर रहेगा, कितने टाइम पीरियड तक चलेगा, ये सब कुछ आपको सर जो है वो अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं आज, जो कि बेसिकली होगा इनहेलेंट्स। अगर हम बात करें इनहेलेंट्स की, इनहेलेंट्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनहेल करना सिंपल वर्ड में आप देखेंगे, इनहेल करना तो क्या होता है, आप अपने नोज से, अपने माउथ से कुछ चीजें इनहेल करते हैं, ठीक है। कुछ गैसेस आजकल कोविड के टाइम पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, आप सिरिंज के थ्रू लेते हैं, नहीं, आप ओरली लेते हैं, खाने टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, नहीं, आप क्या करते हैं उसको अपने नोज से, अपने माउथ से इनहेल करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो बेसिकली वो सब्सटेंसेस जो आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेंगे और इनहेल करेंगे वो आते हैं आपके इनहेलेंट्स के अंदर। जो आपके इनहेलेंट्स हैं बेसिकली वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, या हम कहें तो वेपरस या फिर गैसेस, नेचर के ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आप अपने नेजल रूट से जो है आराम से बॉडी के अंदर ले सकते हैं। इनका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, पहले तो आपके ऑक्सीजन, CO2, N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके अलावा एनेस्थेटिक्स, आप सबने सुना है एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्जरी के टाइम पे, तो कैसे देते हैं वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हैं, और अगर कॉन्टिन्यूटी में, सपोज 20 आवर्स की सर्जरी है आपकी, 12 आवर्स की सर्जरी है, तो क्या बार बार इंजेक्शन लगाएंगे, नहीं, तो क्या करेंगे, एनेस्थीसिया इन फॉर्म ऑफ इनहेलेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, मास्क लगा दिया जाएगा और जो वेपर्स की फॉर्म में एनेस्थीसिया जो है लगातार कॉन्टिन्यूटी में धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता जाएगा और आपको एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी देता जाएगा। एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी बोले तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपकी बॉडी जो है कॉन्शियसनेस में नहीं रहेगी, कि आप बेसिकली जो है अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर देंगे। क्या होता है, सर्जरी आपकी हो रही है किसी पेशेंट की, तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस लूज करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर आपको कॉन्शियसनेस से रिमूव करेगा, आपको पेन फील नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी को कोई सेंसेशन नहीं होनी चाहिए, उस केस में इनहेलेंट्स यूज किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया क्या है, मेडिकल सब्सटेंस है जो आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कॉज करेगा। तो बेसिकली इनहेलेंट्स की बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस है, रिपीट कर रही हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आपको दिए जाएंगे, आप इनहेल करेंगे, ये गैशियस और वेपर्स जो है स्टेट के सब्सटेंसेस होंगे। एंड थर्ड,
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होंगी इनके अंदर, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होंगी इनके अंदर, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि ऑक्सीजन, आप लोग बोलेंगे ऑक्सीजन में क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, है। अभी लगेगा, पूरी डिटेल करेंगे उस टाइम पे। CO2, N2O, इन सब के अंदर कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम इनहेलेंट्स की बात करें, तो इनहेलेंट्स में जो आपकी डेली जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वहां पे यूज की जाती हैं, तो तीन चीजें मोस्टली गैशियस फॉर्म में यूज की जाती है। नंबर वन इज ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन डेली कंज्यूम भी करते हैं, आपको पता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है आपकी कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी देती है, और आपके हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में यूज की जाती है। COVID-19 के केस में आप डेली न्यूज में ये चीज सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा वैल्यू है और कितनी ज्यादा नीड है। नेक्स्ट आते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है आपकी यूज की जाती है, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल हर एक चीज को। एंड लास्ट आपकी आती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शो करती है और हमारे इनहेलेंट्स का काम करती है, हमारे हॉस्पिटल्स में यूज की जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अभी रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे, जिस टाइम पे हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको याद होना चाहिए। नाइट्रिक ऑक्साइड का दूसरा नाम लाफिंग गैस भी होता है, और ये चीज लोग भूल जाते हैं कि कॉमन नेम्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के। अगर कॉमन नेम आपको याद है तो आपको क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछा जाए व्हाट इज द यूज ऑफ लाफिंग गैस, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कॉमन नेम लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते उस चीज को। तो कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है O2। अब एनवायरनमेंट में आपके ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें एयर के अंदर, तो अबाउट 21% जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री में या फिर हम बोल सकते हैं हॉस्पिटल्स में, तो अप्रोक्सीमेटली नॉट लेस देन NLT, मतलब नॉट लेस देन 99% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स। 99% ऑक्सीजन तक प्रेजेंट है, 1% जो है वो अदर गैसेस आ सकती है, अदर सब्सटेंसेस आ सकते हैं, बट 99% ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। ये आपकी अकॉर्डिंग टू IP है। IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया। अगर फार्मेसी से आप लोग, तो आपको पता है IP कितनी ज्यादा वैल्यू है। IP को प्रेफर करके ही हम हर मेडिसिन की सिंथेसिस इंडिया में करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया क्या बोलती है, 99% से कम ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए किसी सिलेंडर के अंदर। अगर हम ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, आपको एटमॉस्फेयर में कोई कलर नहीं दिखता ऑक्सीजन का। इट इज ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। थर्ड, सॉल्युबिलिटी की बात करें कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या है, वो डिजॉल्व किसके अंदर हो जाती है, तो इट इज सॉल्यूबल इन वॉटर एंड एल्कोहल, बोथ वॉटर और एल्कोहल दोनों के अंदर ऑक्सीजन आपकी आराम से सॉल्यूबल हो जाती है। बोलते हैं ना कि पानी पियो, पानी से अगर किसी को सफोकेशन हो रही हो तो ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, और एक तो H2O के अंदर फॉर्मूला में प्रेजेंट है और सॉल्यूबल भी होती है वॉटर के अंदर, तो वहां से आपको ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ मिलके ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्साइड्स बनाती है, ऑक्साइड्स
बनाएगी। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन होंगे, ये ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करती है। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ऑक्सीजन O2 है, अगर बात करें तो आपके एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, नॉट लेस देन 99% ऑक्सीजन IP के अकॉर्डिंग है। प्रॉपर्टीज में कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, सॉल्युबिलिटी वाटर और एल्कोहल दोनों के अंदर है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाती है। अगर हम यूजेस की बात करें ऑक्सीजन के, तो सबसे पहले हाइपोक्सिया, फार्मेसी वालों को पता होगा हाइपोक्सिया क्या होता है। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए उस केस को बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किसी पेशेंट को हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, COVID-19 के केस में बार बार हो रहा है, तो उस केस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ती है डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स में। सेकेंड एनोक्सिया, एनोक्सिया भी हाइपोक्सिया की तरह ही कंडीशन है। एनोक्सिया वर्ड बेसिकली हम ब्लड के लिए यूज कर लेते हैं कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये जो है बॉडी के अंदर हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और एनोक्सिया जो है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि लेबलिंग एंड स्टोरेज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है लेबलिंग और स्टोरेज में से। जो आपकी सिलेंडर्स आप देख रहे हैं, सिलेंडर्स मेटल्स के बने होते हैं, तो आपके ऑक्सीजन जो गैस है वो बेसिकली मेटालिक सिलेंडर्स, मेटल सिलेंडर्स के अंदर स्टोर की जाती है। अब देखो मेटल सिलेंडर्स तो कितने सारे हैं, है ना, तो कैसे पता लगेगा ऑक्सीजन का सिलेंडर है। तो बेसिकली जो आपका सिलेंडर है, अगर आप देखेंगे इस टाइप से आपका सिलेंडर है, तो इस पूरे सिलेंडर को जो इसका शोल्डर्स होते हैं, जिसका अपर पोर्शन होता है, इसको आप करते हैं व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, और बाकी पूरे सिलेंडर को ब्लैक कलर पेंट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, सिलेंडर को पेंट कर दिया जाता है, जो उसके शोल्डर्स हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप शोल्डर्स, इनको व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है और बाकी पूरे सिलेंडर को ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है, और इन शोल्डर्स के ऊपर नेम एंड सिंबल दोनों लिखा जाता है। मतलब नेम लिखा जाएगा, नेम क्या है ऑक्सीजन, सिंबल क्या है O2। तो इस पूरी चीज को सिलेंडर के ऊपर किया जाता है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। आप ये चीज देख सकते हैं, ब्लैक कलर का सिलेंडर होगा, व्हाइट कलर से पेंट किया जाएगा उसके टॉप शोल्डर्स, ठीक है, सिलेंडर का शोल्डर है ना, हमारी बॉडी का शोल्डर है, वैसे सिलेंडर्स के शोल्डर को पेंट किया जाएगा। उस शोल्डर के ऊपर भी लेबल किया जाएगा कि ऑक्सीजन है O2 सिंबल के साथ, ताकि आराम से कोई पर्सन आइडेंटिफाई कर सके आके। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या कलर होता है आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, ऑप्शंस में आ जाएगा ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट या ब्लू, तो ब्लैक एंड व्हाइट इज राइट, बिकॉज ब्लैक जो है वो पूरा सिलेंडर है और व्हाइट कलर से टॉप भी पेंटेड है। नेक्स्ट ये था आपका ऑक्सीजन, अब शुरू करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला पता है आप लोगों को, CO2, ठीक है। अगर हम IP की बात करें, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया क्या बोलती है कि नॉट लेस देन 99% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम CO2 शुड बी प्रेजेंट। ऑक्सीजन में भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, इसमें भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम CO2 शुड बी प्रेजेंट। अब अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता जैसे ऑक्सीजन है, टेस्टलेस या ऑर्डरलेस हो सकते हैं हम, ऑर्डरलेस है, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। अगर इसके आप सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो अल्कोहल के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होती, ये सिर्फ वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज होती है, तो सॉल्युबल इन वाटर के अंदर आराम से सॉल्युबलाइज हो जाएगी, बट अल्कोहल के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होगी। इसके अलावा जैसे ही आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये आपको देता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड,
क्या है बेसिकली, जैसे ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाएगा आपके पास एक एसिड की फॉर्मेशन होगी विच इज कार्बोनिक एसिड। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम करते हैं इसके यूजेस। यूजेस की बात करें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, मतलब अगर सपोज करें आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी, आपको सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर्स प्रेजेंट है, उनको भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा जो एक, ये तो आपका दो आ गए यूजेस, जो मेन यूज है इसका विच इज आपका पॉइजनिंग इन केस ऑफ आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है, आपकी बॉडी के अंदर CO का लेवल इंक्रीज हो गया है, उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5-10% ऑक्सीजन इनका मिक्सचर करके बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, ये आपको उस पॉइजनिंग का एंटीडोट की तरह काम करता है। तो ये थे आपके यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज के लिए जो आपका डेमो लेक्चर था वो बेसिकली इतना ही था, जिसमें हमने ऑक्सीजन कवर किया, हमने CO2 कवर किया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप आगे नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह की वीडियोस देखें या आप क्लासेस अटेंड करें तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। आप व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। फार्मा कोर्स नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ, 8988434696। आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर आराम से, इस नंबर पे आप जो है फार्मा कोर्स मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल।